Class 11, now the applications of laws of motion continue. Now we are going to discuss, after that horse and cart problem, we are going to discuss the lift, elevator problem. Cut. Also pulley and mass problem. Cut. Now the problem related to the apparent weight of a person in a lift or elevator. All of you know the meaning of the lift and the elevator. Here, one important term, apparent weight. जैसे मान लो कोई एक आदमी है किसी एक लिफ्ट में चढ़ा हुआ है, तो उसका वेट कितना इधर की ओर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ही है। अगर यहाँ पर हम एक वेइंग मशीन यूज़ करें, से फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द वेइंग मशीन, देन वेइंग मशीन इंडिकेट्स द एपरेंट weight, which is the normal reaction, जो क्या होता है normal reaction. तो weighing machine में जो आएगा measurement, that is your apparent weight or normal reaction. Okay, that we are going to discuss when it is in the lift. Now the case of lift or the elevator. Case number one. See here, case number one. Lift is at rest or moving with a constant velocity. Constant velocity हो या rest हो, acceleration क्या होगा, zero. तो इस केस में अगर मान लेते हैं apparent weight हम लोग मालूम कर रहे हैं, apparent weight क्या हो जाएगा, n normal reaction is equal to mg. ये normal reaction को n से denote करेंगे या फिर r से. एक ही चीज है, ये यही apparent weight means इसका, अगर यहां पर ये जो है that is your weighing machine, कोई पूछेगा weighing machine में कितना weight आएगा, weighing machine में, weighing machine में जो weight आएगा that is the true weight रहेगा, that is equal to the m into g. तो इंटरेस्टिंग, अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है, मींस एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है इसका, इस पूरा सिस्टम का. तो मींस अगर यहां पर ये आदमी एक वेइंग मशीन पर खड़ा है, तो उसका, इस आदमी का जो ओरिजिनल वेट है या ट्रू वेट है वही शो होगा, फर्स्ट केस. ओके, सेकेंड केस, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की ओर, यहां पर क्या था वेट, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, और इधर क्या था नॉर्मल रिएक्शन. अगर ये एक्सलरेट, ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सलरेट हो रही है, मींस एक्सलरेशन है, ये मालूम है कि ये ऊपर की ओर हो रही है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की ओर, दैट इज नेट फोर्स मतलब कितना हो जाएगा टोटल सिस्टम का मास m इंटू ए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ऊपर कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी, नॉर्मल रिएक्शन माइनस m इंटू जी, राइट. तो नॉर्मल रिएक्शन को ही एपरेंट वेट बोला जाता है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, m a प्लस m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, एम कॉमन हो गया, ए प्लस जी, यही वेट शो होगा. मीन्स ये वेट कहां पर, वही वेइंग मशीन में. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जी के साथ स्मॉल ए भी एड हो गया, मीन्स वेइंग मशीन में एपरेंट वेट विल इंक्रीज, क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर ये ऊपर क्यों जा रहा था. कैसे ऊपर हुआ ये समझ में आया, ऊपर ये तो रिजल्टेंट है कि ऊपर क्यों जा रहा है, तो डेफिनेटली n इज ग्रेटर देन w और mg, तो n माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इंटू दिस एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन,
इज इक्वल टू दिस। ये नॉर्मल रिएक्शन यही होता है एपरेंट वेट जो वेइंग मशीन में दिखाई देता है। नंबर सी, इफ द लिफ्ट एक्सलरेट्स डाउनवर्ड, एक्सलरेशन है लेकिन नीचे की ओर है, नीचे कौन सा फोर्स है, वही एम इंटू जी वेट, और ऊपर कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नीचे कौन सा, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ये है कि ये नीचे की ओर आ रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स यहां पर भी निकालेंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स मास इंटू ए, ए एक्सलरेशन से नीचे आ रहा है, अब डेफिनेटली ये वाला ज्यादा होगा इसके ऊपर वाला फोर्स से, तो ये ज्यादा होगा मीन्स कितना ज्यादा होगा, वही नेट फोर्स हो गया एम जी माइनस एन। तो हमको अल्टीमेटली निकालना क्या, यही एन का वैल्यू निकालना है, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए, यही एपरेंट वेट है, दैट इज योर एपरेंट वेट जो कि हमको वेइंग मशीन में दिखाई देगा, वी विल सी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जी में से ए माइनस हो गया, सो एपरेंट वेट वेट विल डिक्रीज, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो उसका वेट वेइंग मशीन में क्या हमको नजर आएगा, उसका वेट कम हो गया। नंबर डी, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करना शुरू किया मीन्स केबल, ये तो लिफ्ट केबल से बंधा हुआ रहता है, केबल अगर टूट गया तो क्या होगा, यहां पर वेट एम जी और ये नॉर्मल रिएक्शन था, तो नीचे की ओर आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पूरा लिफ्ट और वो आदमी और वेइंग मशीन सब एक फोर्स से, एक एक्सलरेशन से, जी एक्सलरेशन से सब नीचे गिरना शुरू हो गया, मीन्स ए बिकम्स जी। तो यहां पर हम लोग अभी पढ़े एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, अभी पढ़े थे ये वाला केस में, ये केस देखिए, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां पर जी ए जब जी के बराबर हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम इंटू जीरो, दैट इज जीरो, नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। सो उसमें किसमें, वेइंग मशीन में, वेइंग मशीन विल शो नो वेट, कोई वेट उसमें नहीं दिखाई देगा, कोई मेजरमेंट जीरो, दैट इज अ केस ऑफ वेटलेसनेस, इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस, जब ये फ्रीली फॉल करना शुरू करेगा, एपरेंट वेट जीरो हो गया, वेइंग मशीन में क्या शो होगा, कुछ भी नहीं, कोई वेट नहीं, तो दिस इज द केस ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर। साइंस, नाउ द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन, मास एंड पुली प्रॉब्लम, एंड पुली प्रॉब्लम, हियर द पुली, हियर द टू मासेस आई हैव टेकन, वन रेड वन कैपिटल एम मास एंड दिस सिल्वर स्मॉल एम, ओके। नाउ जस्ट टू सी, द पर्टिकुलर बॉल विच इज हेवियर विल फॉल एंड द बॉल विच इज लाइटर विल गो अपवर्ड। हेवियर किधर जाएगा, नीचे की ओर, लाइटर किधर जाएगा, ऊपर की ओर, देखिए आई एम रिलीजिंग इट, प्रॉब्लम्स ऑफ मासेज एंड पुली, हियर जस्ट नाउ आई हैव शोन द बिगर बॉल इज हैविंग कैपिटल एम मास एंड स्मॉलर वन इज स्मॉल एम, हियर इट इज अ पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, कैसा पुली है, एंड दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इट इज फिक्स्ड लाइक दैट, हियर द वेट इज एम इंटू जी, हियर द वेट इज स्मॉल एम इंटू जी। नाउ एज this is a heavier, this is the heavier and this is a lighter ball, so what is the exact mechanism, lighter will move up, here the upward motion, iska motion kaisa hoga, upward, aur iska kya hoga, downward,
लेट द एक्सलेशन बाई विच द लाइटर बॉल मूव्स अप इज ए एंड द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द हेवियर बॉल हैविंग द एक्सलेशन स्मॉल ए बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद द वन स्ट्रिंग ओनली सो सेम एक्सलेशन विल बी देयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टेंशन इज ऑलवेज एक्ट इन द सेम वे नाउ नेट फोर्स on heavier mass m is a heavier mass net force हमको निकालना है इस mass में heavier ये किधर जा रहा है नीचे की ओर resultant नीचे की ओर है तो इसका मतलब नीचे वाला force ज्यादा है that means m into g minus ऊपर वाला force t is equal to net force कितना हो जाएगा mass into ये वाला acceleration a Right. Now, second step. Now the smaller, less heavier ball or the lighter ball. Now the net force on small m mass, that is lighter mass में क्या net force हो रहा है? अब हम लोग lighter वाला देखेंगे ये वाला छोड़ के ये वाला देखेंगे. इस ये क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है. ये ball ऊपर की ओर जा रहा है. इसका मतलब ऊपर वाला force net force ज़्यादा है. तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है टी माइनस नीचे वाला फोर्स कौन सा है एमजी नेट फोर्स तो ऐसे निकालेंगे दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन नंबर टू यही दोनों समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन अगर निकल गया समझिए कि 80% काम खत्म नाउ तो हम लोग यहां पर देखें ये दोनों इक्वेशन आया मेरा अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हमको करना क्या है हमको करना है एक्सप्रेशन भी निकालना ये क्या एक्सप्रेशन है कॉमन एक्सप्रेशन दोनों का था उसका एक्सप्रेशन निकालना है और साथ में टेंशन तो ये दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन वन और टू अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले को पहले लिख दिए एम ए इज इक्वल टू ये हो गया एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम इंटू जी ये कैंसिल हो गया क्या है यहाँ पर ए कॉमन ले लिए कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी और स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाय ये नीचे आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी ये हुआ एक्सप्रेशन किसका ये एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन से ये दोनों ऊपर और नीचे जा रहा था नाउ द टेंशन टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे ये एक्सप्रेशन जो आया इसका वैल्यू वन या टू किसी में भी पुट कर देंगे इसका वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन वन में इसका वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एम एम ए पहले लिख दे रहे हैं यहां पर ए का आया एम माइनस स्मॉल एम by capital M plus small m into g is equal to m into g minus t उसके बाद common लेके calculation कर ली ये common लेने के बाद tension का value tension को इधर ले आया इसको इधर ले आया tension का value मेरा निकलेगा एम जी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर फिर वो LCM लेके m plus small m माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू एम वो कैलकुलेशन है और उसके बाद उसको इसके बाद इधर देखिए तो टेंशन यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे कैपिटल एम कैंसिल हो गया उसके बाद ये इधर लिख रहे हैं
और टी इज इक्वल टू टू स्मॉल एम कैपिटल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. ये टेंशन का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग. ओके, थैंक यू.